तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम कार्ड के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन पीएनबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से। इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बात किया था कि आपका अगर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम कार्ड खो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, उस एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हो तो किस तरह से ब्लॉक कर सकते हो, पिछले वीडियो में बात किया था, और अपना एटीएम कार्ड को भी ब्लॉक किया था ऑनलाइन। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर चुके हो, आपको न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से आप न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी पीएनबी वन ऐप से ऑनलाइन किस तरह से आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या इसका प्रोसेस है। तो जैसे कि मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, मेरा एटीएम कार्ड को किस तरह अप्लाई करूंगा इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर सारा प्रोसेस देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम पीएनबी वन ऐप को ओपन कर लेंगे। तो ये रहा पीएनबी वन ऐप, इस ऐप को सबसे पहले तो ओपन कर लेते हैं। इस ऐप को ओपन कर लेंगे, हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस ऐप पे आपको लॉग इन कर लेना है, आप अगर पीएनबी ऐप यूज करते हो तो। तो यहाँ पे पीएनबी ऐप पे लॉगिन हो चुके हैं। तो एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए, न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे पे देखोगे, नीचे पे स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेबिट कार्ड। आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जितना ही डेबिट कार्ड का सर्विस है, एटीएम का सर्विस है, यहाँ पे आपको एटीएम का सर्विस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर एटीएम कार्ड को ऑर्डर देना चाहते हो, न्यू डेबिट कार्ड को ऑर्डर देना चाहते हो, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टॉप पर अप्लाई न्यू डेबिट कार्ड। तो आपको अप्लाई न्यू डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं पुराना डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर चुका हूँ, तो न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई न्यू डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई न्यू डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर देने के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होकर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना नाम देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अपना बैंक अकाउंट पे रजिस्टर्ड नाम है, वो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ऊपर पे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। तो अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है अपना अकाउंट नंबर। देन अकाउंट नंबर चूज करने के बाद आप यहाँ पे नीचे पे जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पीएनबी ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो आपने एम पिन या फिर टी पिन सिलेक्ट किया है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो वो टी पिन आपको यहाँ पे डालना है, राइट। तो वो यहाँ पे टी पिन डाल लेंगे। तो चलो हम अपना टी पिन को डाल लेते हैं। एंड टी पिन डालने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। अनप्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डेबिट कार्ड अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे गो टू होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम होम कर लेंगे। तो यहाँ पे होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा पुराना डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर चुका था, इसलिए मैं न्यू डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो फिर आपको डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे ऊपर पे देखोगे रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होके, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड टाइप सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप डेबिट कार्ड होगा। तो यहाँ पे मेरा एक ही ऑप्शन है क्लासिक डेबिट कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड टाइप, यहाँ पे अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कि केवाईसी अपडेट नहीं है, इसलिए मेरा एड्रेस जो कि नॉट वैलिड शो हो रहा है। तो आपका अगर केवाईसी अपडेट है तो इस तरीके से आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा केवाईसी अपडेट नहीं है, इसलिए मैं इससे और आगे प्रोसेस नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप अगर आपका केवाईसी अपडेट है तो आप इस तरीके से आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कर चुके हो, न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप न्यू एटीएम कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।